मत आओ वापस, यहां किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं। मुझे तो डर लग रहा है फैजी, उसको उसको किसी ने किडनैप ना कर लिया हो। किसी ने किडनैप नहीं किया, अपनी मर्जी से गई। राजी ने अभी सीसीटीवी फुटेज दिखाया बाबा को। बी ऑनेस्ट मामा, कौन है वो लड़का? शेरी उसका दोस्त है, उसी के साथ भागी होगी वो बेगैरत। भागने की क्या जरूरत थी, बाबा को बता देती, मुझसे मिलवा देती। यूं इस तरह भागकर हमारी इंसल्ट कराने की क्या जरूरत थी उसको? मी बीइंग अ मैन, बाबा की खुशी के लिए उस मामूली हादिया से शादी की है मैंने और वो भाग गई है। नताशा कहां हो तुम, कहां चली गई हो? निकाह कर लिया तुमने? हेलो, ये क्या हरकत की है तुमने? तुमसे स्टुपिडिटी की उम्मीद नहीं थी मुझे। तो फैजी मैं और करती भी क्या, तुम मुझे बताओ मेरे पास किसी ने कोई ऑप्शन छोड़ा था क्या? उस एसआर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और उस मामूली सी लड़की को मेरे ऊपर चूज कर लिया। और बाबा ने क्या किया? उन लोगों की एंगेजमेंट हमारे ही घर पे रख ली और उस राजी से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया मुझसे पूछे बगैर। यार जब मेरी फैमिली को मेरी पसंद नापसंद की फिक्र नहीं है तो मैं किसी की फिक्र क्यों करूं? हाँ, कल को बाबा राजी से मेरा जबरदस्ती निकाह करवा देते तो मैं क्या करती? हाँ, I mean it's so stupid कि मुझे तुम्हें ये एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि जबरदस्ती निकाह नहीं होता। तुम्हारी रजामंदी, तुम्हारे सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ती। I mean let's not fight over the phone, तुम वापस आओ फौरन। मैं नहीं आ रही, मैंने शेरी से निकाह कर लिया है और अब मैं उस घर में उसी सूरत पे आऊंगी जब बाबा हमें खुशी खुशी वहां पे बुलाएंगे। शेरी इज माई लीगल हस्बैंड नाउ, आप सबको उसको कबूल करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएगा कि मैं उस घर में आऊंगी। ठीक, मत आओ वापस, यहां किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है।